बंधुओं नमस्कार, मैं सरसमाज विधायक डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा फिर आपके बीच आकर के आग्रह कर रहा हूँ। आज कम से कम 200 लोगों ने आकर के रामकुटी आश्रम पर अवगत कराया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक दूर दराज एरिया में किसी को 18 साल हो गई, किसी को 20 साल हो गई, किसी को 25 साल हो गई। लोग परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकार से कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण तबादला हो। और ये सही बात है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की बेहतरीन योजना चलाई है, हर वर्ग मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद करने लगा है कि उनके भले के लिए काम हो रहा है। और ये बात सही है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे और दूसरी अन्य योजनाएं हो, चाहे बिजली फ्री हो, चाहे पानी फ्री हो, चाहे 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो, चाहे दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का मुआवजा हो, हर वर्ग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की है। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके सरकारी कर्मचारियों का दिल जीतने का काम किया है। पूरा सरकार का कर्मचारी अधिकारी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। अब आज जिस तरह से 200-250 लोगों ने आकर के यहाँ रामकुटी आश्रम का पे आकर के मेरे ऊपर दबाव बनाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपने सारे वर्गों पर कृपा की है। अब मेरा हाथ जोड़कर विनती ये है कि ये तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड की जो टीचर्स हैं इन पे भी कृपा करना आवश्यक है और इनके भी स्थानांतरण हो जाए तो ये भी सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसका आने वाले 2023 के चुनाव में बड़ा लाभ सिद्ध हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपने सारे काम किए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। राजस्थान की धरती से ऐसे कामों को आपने करके दिया है। ये छोटा सा काम है, तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानांतरण करना, नई भर्तियां आप कर रहे हैं, नई भर्ती जो हो रही है उनको वहां लगाया जाए जहां दूर दराज के एरिया में है, और जिनको लोगों को 10 साल 15 साल हो गई है, उनके माँ बाप या तो बूढ़े हैं या कैंसर से पीड़ित हैं या हार्ट से पेशेंट हैं या बच्चे परेशान हैं, ऐसे टीचर्स का ट्रांसफर करना चाहिए। मेरा ऐसा आपके हाथ जोड़ के विनती है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।